तो हेलो गाइस, मेरा नाम आकाश और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को गूगल से रिलेटेड कुछ अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो शायद जैसे कि आपको पता होगा, गूगल ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, गूगल पीपल्स कार्ड। तो इसको आपको क्रिएट कैसे करना है ये बताऊँगा, और साथ ही साथ अगर आप यूट्यूबर हैं या तो कोई बिजनेसमैन है या तो कोई आपका वेबसाइट है तो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं और इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपना गूगल पीपल्स कार्ड कैसे क्रिएट करना है ये बताता हूँ। तो यहाँ पे आप चाहें तो अपना गूगल का यूज़ कर सकते हैं या तो कोई सा भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करूँगा इस गूगल पीपल्स कार्ड को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें अपने सर्च बार पे जाना है और सर्च बार पे टाइप करना है एड मी टू सर्च करना है हमें लिख के। जैसे हम सर्च कर लेंगे, कुछ इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो जिस भी जीमेल से अपना गूगल फीचर्स कार्ड क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ से आपको यहाँ से उस जीमेल को लॉगिन कर लेनी है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको कॉर्नर पे दिखाई देगा गेट स्टार्ट का, तो यहाँ पे हमें क्लिक करनी है। तो हम चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो हम यहाँ थोड़ा वेट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालनी है। आप चाहें तो नॉट नाउ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे नॉट नाउ पर क्लिक कर दूँगा। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा जब आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे डिटेल आ जाएंगे आपको डालना के लिए। तो यहाँ से अपना नाम डाल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपना लोकेशन है, अपने बारे में अबाउट है, और यहाँ पे ऑक्यूपेशन है यहाँ पे, और वर्क क्या कर सकते हैं, और एजुकेशन है, होम टाउन है, वेबसाइट है, और यहाँ पे सोशल प्रोफाइल है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है। आप यहाँ पे पूरा आपको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले पूरा फिल कर लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा अपना डिटेल डाल चुका हूँ, फिल कर चुका हूँ। जो जो डिटेल आपको डालना है वो डाल सकते हैं। अगर जिस चीज़ का डिटेल आपको नहीं मालूम वो स्किप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको फिल करना है। उसके बाद आपको नीचे में आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिख जाएगा ब्लू कलर में, तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपका पूरा डिटेल, जो जो आप फिल किए रहेंगे। उसके बाद जैसे हमें अगर इसको क्रिएट करना है या तो सेव करना है, तो नीचे में आपको ब्लू कलर में सेव का निशान दिख जाएगा, मतलब कि सेव का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। तो चलिए हम फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। अब जब हम सेव पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर हमें प्रीव्यू सर्च कार्ड पे क्लिक करनी है। और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो कार्ड है कुछ इस तरह का शो करेगा। तो आप इसको शेयर करके या तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप किसी के पास अपना वर्चुअल बिजनेस कार्ड, या तो आपका वेबसाइट है या तो आपका यूट्यूबर है, तो कुछ इस तरह से अपना वर्चुअल कार्ड जो है शेयर कर सकते हैं, और कुछ इस तरह से आप अपना वर्चुअल कार्ड जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग को समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।